जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे बाल ऐसे ही, मतलब ऐसे ही वुल्वरिन की तरह ही लगते हैं। मतलब मैं शैम्पू कर लूँ, कंडीशनर लगा लूँ, तेल लगा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई डेफिनेटली नीड हेयर कट, और वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अभी जाके नहा लेता हूँ, थोड़े से इंसान जैसे बाल लगे, फिर हम आज की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो नहाने के बाद अच्छे लग रहे बाल, मतलब ऐसे अंदर हाथ डालते हैं तो बाहर भी निकलते हैं, कहीं अटक नहीं जाते हैं। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट द व्लॉग। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी कि कैसे मेरा जो वायरल वीडियो है गिफ्ट सिटी वाला, वो मैंने शूट किया। क्योंकि वो शूट करने का कोई प्लान नहीं था, मजबूरी में मुझे वो वीडियो शूट करना पड़ा। क्योंकि जिस वीडियो को शूट करने के लिए मैं गया था, वो वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं मिली थी, तो मजबूरी में मुझे गिफ्ट सिटी वाला वीडियो बनाना पड़ा और वही वीडियो मेरे चैनल पर वायरल हो गया। आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे कि सिर्फ 40,000 व्यूज ही मिले तो कौन सा वीडियो वायरल हुआ है। बट ये गाइस सुन लो, उन दिनों की बात है जब मेरे कुछ 100 और 110 सब्सक्राइबर थे और मेरे वीडियो पे मुश्किल से 100 से 150 व्यूज आते थे टोटल। एक दिन में नहीं, टोटल इतने व्यूज आते थे, तब मेरा वीडियो वायरल हो गया। और उस पे पहले ही दिन में कुछ 500 या 600 व्यूज़ आ गए और एक हफ्ते के अंदर वो वीडियो आई गेस 30,000 व्यूज़ तक पहुंच गया था। एक्चुअली ये गिफ्ट सिटी वाला वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। मैं और आशु गए थे संडे को जो सरदार पटेल स्टेडियम है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग स्टेडियम है, उसका वीडियो बनाने के लिए, जिसका इनोग्रेशन मंडे को ट्रंप और मोदी जी करने वाले थे। और ऑब्वियसली ट्रंप और मोदी जी आने वाले थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, तो हमें शूट करने की कोई भी परमिशन नहीं मिली। सो ऐसे ही मुँह लटके हुए मैं और आशु घूम रहे थे सिटी में, तो सोचा कि क्यों ना हम लोग को डीकैथलॉन जाके शूज़ लेने, तो उस एक्सपीरियंस को हम लोग शूट करते हैं कि हाउ यू कैन गो टू डीकैथलॉन और वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है शॉपिंग का एंड ऑल। तो हम लोग गए डीकैथलॉन सुबह 10 बजे, और वहाँ पे जैसे हम लोग एंटर हुए, सिक्योरिटी वाले ने बोला कि यहाँ पे भी शूट करना मना है। तो आप लोग मेरी सिचुएशन समझ सकते हो कि दो प्लेसेस से मैं मना कर दिया गया था कि आप लोग यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते, और वो भी संडे था, और मुझे सिर्फ संडे का दिन ही मिलता है यहाँ पे कि मैं बाहर जाके आपके लिए वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डालूं, क्योंकि मंडे टू सैटरडे मेरी जॉब रहती है। सो देन वी केम बैक होम और हम दोनों बहुत डाउन थे, क्योंकि एक हमें संडे ही मिलता है वीडियो शूट करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोई वीडियो उस दिन शूट नहीं कर पाए। तो अंजलि ने और आशु ने बोला कि क्यों ना हम लोग गिफ्ट सिटी पे वीडियो बनाए, क्योंकि मैं गिफ्ट सिटी में जॉब करता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा होगा उसे एक्सप्लेन करना और मैं उसे कनेक्ट भी कर सकता हूँ। पहले मुझे ये आइडिया इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला गिफ्ट सिटी के बारे में कौन जानना चाहता होगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना हमारे पास एटलीस्ट ये कंटेंट तो है गिफ्ट सिटी का जो हम लोग दिखा सकते हैं, किसी को आज संडे के दिन नजदीक है तो शूट करके भी आ सकते हैं। देन वी वेंट गिफ्ट सिटी अराउंड 4 PM टू शूट द व्लॉग। जब मैं और आशु ये गिफ्ट सिटी वाला वीडियो शूट करने गए, लेट मी टेल यू गाइस, हमें कभी नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतना वायरल होगा। जस्ट लेट मी टेल यू हाउ वायरल इट वेंट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे वीडियोस पे मैक्सिमम 100 से 150 जितने व्यूज आते हैं, बट इस वीडियो को अपलोड करते ही फर्स्ट 24 आवर्स में मुझे 500 से ज्यादा व्यूज मिल गए, और यही व्यूज नेक्स्ट डे पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। नेक्स्ट डे पे आई गेस 1500 से ज्यादा व्यूज हो गए थे, और सिर्फ व्यूज ही नहीं, उसके साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। मतलब फर्स्ट वीक जो खत्म हुआ उसके बाद मेरे आई गेस इस वीडियो पे 30,000 व्यूज थे, और ऑलमोस्ट मुझे इस वीडियो से 400 या 450 न्यू सब्सक्राइबर मिल गए थे, और उस एक वीक ने मेरे यूट्यूब चैनल की पूरी शक्ल बदल दी। अभी इस यूट्यूब वीडियो से मेरे चैनल पे कम से कम 550 सब्सक्राइबर आए, अभी मेरे चैनल पे 850 सब्सक्राइबर के आसपास है, और स्टिल इस यूट्यूब वीडियो पे व्यूज आते रहते हैं डेली के 40 या 50, और अभी ये वीडियो 40,000 व्यूज के प्लस है। अभी कुछ टाइम से वापस मेरा ग्रोथ है वो स्लो हो गया है। स्लो मतलब कि जो गिफ्ट सिटी वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था और उस वीक और उस पूरे मंथ में जो ग्रोथ हो रहा था, उससे थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ हो रहा है, बट अभी भी मेरे चैनल पे स्टेडीली सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ रहे हैं। सो इस चीज से जो मुझे एक बात पता चली वो ये है कि अभी भी मुझे मेरी कंटेंट और कंटेंट डिलीवरी पे वर्क करना है, और इस बात से मैं डीमोटिवेट नहीं होता कि मेरा ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने वीडियोस अच्छे बनाए और मेरा कंटेंट अच्छा है तो ये जो ग्रोथ है वो जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है वो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स मैं भी एंड रिजल्ट के बारे में ही सोचता हूँ कि ये सोचता हूँ कि काश ये मंथ में मुझे 10,000 या 20,000 व्यूज मिल जाए, या फिर मेरे सब्सक्राइबर है वो कम से कम 2,000 या 3,000 के पास पहुंच जाए। एक चीज जो मैं ध्यान रखता वो ये है कि ये जो मेरी थिंकिंग का जो प्रेशर है वो मेरी वीडियोज पे ना आए, मेरा कंटेंट हो वो बहुत ही अच्छा बने, ऐसा ना हो कि ये मैं जो सोच रहा हूँ एंड रिजल्ट के बारे में उससे मेरा पूरा प्रोसेस खराब हो जाए। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर आप एक नए यूट्यूबर है या फिर किसी भी बिजनेस में आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप पेशेंस रखिए, आप अपने सिर्फ जो अपनी प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप डे बाय डे इंप्रूव हो, डेफिनेटली आपको एंड रिजल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा। सो गाइस यही था आज के वीडियो का ज्ञान, अगर ये ज्ञान आपको पसंद आए तो आप सभी जगह पे फैला सकते हो, बट उससे पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आगे जो नेक्स्ट वीडियोज आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 15 मिनट से यहाँ शूट कर रहा हूँ, फैन बंद है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी दोपहर के 1 बजे है, तो आप समझ सकते हो कितनी गर्मी है, शायद मुझे दोबारा वापस नहाना जाना पड़ेगा। तो वी विल सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।